अस्सलाम वालेकुम। हम पार्लर बंद करके आ चुके हैं। आप देख रहे हैं मैं अभी पार्लर बंद करके आई हूँ, तो अब छुट्टी हो चुकी है। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं घर पर आई हूँ तो लाइट है नहीं। अभी कम से कम ज़्यादा टाइम हो चुका है। टाइम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मनाहिल क्या कर रही है ये देखिए, ये देख रहे हैं आप मनाहिल क्या कर रही है? मनाहिल अपने दांत साफ कर रही है। मनाहिल अपने दांत साफ कर रही है ना? मनाहिल हाय बोलो। हाय। कैसे हैं आप? चाय बना रही हूँ। शाम का टाइम है, मगरिब के बाद का टाइम, तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, चलो शाम की चाय आधा कप पी लेती हूँ। ज़्यादा नहीं, आधा कप ही बनाऊँगी अच्छी सी चाय। ये लो जी चाय बन चुकी है और गर्मा गर्म चाय, तो चाय पी। चाय जा रही है मेरे लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, तो सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा चलो पहले चाय पी जाए फिर बाकी के दूसरे काम। आज मैं सिर्फ अकेले ही चाय पीने वाली। आज मैं ट्यूशन का काम लिखी हूँ। ऊपर तो मुंह करो, बात तो करो, सही से बात करो। जी हाँ, ये मनाहिल अपना काम लिख रही है। अरे बेटा छोड़ो, अब मनाहिल के पेपर शुरू हो रहे हैं, तो फिर मनाहिल ज्यादा बिजी हो गई है आजकल। शाम से बेचारी याद कर रही है। क्या कर रही हो मनाहिल? ऊपर मुंह करो, मम्मा से सही से बात करो, क्या हो रहा है? और क्या किया आपने? और मेरा सारा काम हो गया, मैंने काफी अलग करके रख दिया। मैं कल्ला भर रही हूँ अपने बुक पे। अच्छा, ये किसने बोला आपको बुक पे कलर भरो? ये टीचर ने कहा था। तो फिर आप तो सही नहीं काम करी, देखो सारा खराब कर दिया। कोई नहीं। तो फिर टीचर आपको डांटेगी नहीं? जी देखो मनाहिल के काम, मनाहिल अपने काम कर रही है। मनाहिल मेरी तरफ तो मुंह करो, बात तो करो। आजकल मनाहिल का एटीट्यूड देखो कितना ज़्यादा हो चुका है। मनाहिल सही से बात भी नहीं करती किसी से भी, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है मनाहिल भी आजकल। हाँ, तो पेपर शुरू हो रहे हैं तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। स्कूल से सिलेबस आ चुका है इसका, तो बस उसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है आजकल। ये मामा से भी बात नहीं करती सही से। मैं जब से पार्लर बंद कर कर आई हूँ तो ये यक्की इधर ही बैठी हुई है, कम से कम एक घंटे से ये इधर ही है। ऐसा ही है ना मनाहिल? कितनी देर से हो? तीन चार नहीं, एक घंटे से हो। एक घंटा और दो घंटे, एक पाँच घंटा, एक छः घंटे। आपको पता है घंटे क्या होते हैं? हाँ? हाँ। क्या होते हैं? टमाटर, आम, एप्पल। अच्छा। आज मैं जा रही हूँ मनाहिल के स्कूल, आज जाना ज़रूरी है। मनाहिल खड़ी है, चले मनाहिल। आप सलाम नहीं किया आपने? चलो 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 चलो, आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलती। सही है, नीचे तो चलो चलो। जी बिल्कुल। चले चले मनाहिल। देखो चलिए।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी हाँ, ये काफ़ी दिनों के बाद, यानी कि 2 दिन का मिला के ब्लॉग मैंने बनाया है, संडे का और संडे से 1 दिन पहले का भी, और मिला के मैंने 2 दिन का बना दिया है। तो ये कपड़े धो रही थी, संडे का दिन था, वैसे संडे वाले दिन मैं कपड़े बिल्कुल नहीं धोती, लेकिन आज धोने थे तो मैंने धो लिए। तो बस थोड़ा बिज़ी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पॉलर में भी बहुत काम था, तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इस वजह से मैं नहीं डाल पाई ग्रुप में, सॉरी। तो जी बस ये मैंने जो कपड़े उपड़े धोने थे मैंने वो धोए, और उसके बाद हाथ वाले कपड़े थे वो धोने थे। फिर संडे का दिन था, मनाहिल भी बहुत, यानी कि आपको पता है बच्चों की जब छुट्टी होती तो बच्चे कैसे करते, तो बस इसी तरह से रूटीन वाले जो काम थे वो। और उस दिन मैंने नाश्ता नहीं बनाया था, नाश्ता बाहर से आया था, तो बस नाश्ता हमने बाहर से मंगवा लिया था, तो मैंने कपड़े भी धोने थे, काम भी ज़्यादा था। आज मेरी हाउस हेल्पर ने भी छुट्टियां कर ली थी, तो फिर मुझे सारा काम को देखना था, बस फिर मैं कामों में लग चुकी थी, कपड़े धो लिए और घर के काम कर लिए, पार्लर में भी जाना था। ये देखो मनाहिल अब अलग होके हमसे नाश्ता कर रही है, हमसे दूर बैठी है मनाहिल। आज संडे का दिन है और मनाहिल को नखरे देखो, आज छुट्टी है ना मनाहिल आपकी, आज क्या दिन है? संडे। आप स्कूल नहीं गई? क्यों? नहीं बोल रहा था संडे को नहीं आना। अच्छा, और आप घर पे बैठ के नाश्ता करना ऐसे बोला था? अच्छा चलो सही है, हम देखते हैं मनाहिल अभी क्या करती। मनाहिल थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती, आपने सलाम नहीं किया? हाँ सलाम नहीं किया आपने, सलाम नहीं किया आपने, बुरी बात होती है, सॉरी बोलो। ये क्या है, ये क्या हाँ ये क्या है? ये जो मामा नीचे पैसे गिरे हुए थे। कहाँ पर? छोटे पैसे गिरे हुए थे। कहाँ पर गिरे हुए थे? नीचे। नीचे कहाँ? सीढ़ियों पे। फिर आपने उठाए? अरे नकली नोट गिरे हुए थे। अच्छा आइए जी नाश्ता कीजिए। देखो ये देखो लड़की प्याले में चाय पी रही है, इसका नाम मनाहिल है। कौन है ये? मनाहिल। अच्छा आप प्याले में चाय पीती हो, आपको प्याले में चाय अच्छी लगती है? अच्छा साथ में मलाई भी पी रही है। जी हाँ, ये कल कपड़े धुले थे तो ये बेडशीट वगैरह जो है ये मैं भी अलमारी में रखती हूँ, जो धुल जाती है तो फिर ये साथ के साथ अंदर लगा देती हूँ, मैं ना रखती नहीं हूँ बाहर। अब जाऊँगी किचन में, मैंने चाय पी ली, थोड़ा रेस्ट भी ले लिया, तो सबसे पहले जो सब्ज़ी बनानी है। दूध वगैरह गर्म करने के लिए रख, शुक्र है मैं आ गई, मेरा दूध भी ख़राब हो जाता है। और ये मैं पालक बना रही हूँ, सॉरी पालक गवार की फली बना रही हूँ, जो मैंने कल बनाई थी, तो जो बाकी जो बच गई थी थोड़ी सी, तो मैंने उसको बॉईल करके रख दिया था फ्रिज में ना, तो अभी इसी को ही मैं ज़्यादा तड़का लगा लूँगी, अभी के लिए तो हो जाएगा। और फिर और मैंने सब्ज़ियाँ भी धो रखी, आटा मेरे पास गूंदा हुआ पड़ा था, तो ये आटा बस थोड़ा सा फ्रिज में से निकाला, सही हो जाए तो रोटियाँ बना लूँगी। और ये भिंडी की सब्ज़ी, सब्ज़ियाँ आ चुकी हैं, भिंडी और टिंडे, अब देखते हैं इनमें से मुझे क्या बनाना है। सोच रही हूँ सुबह के लिए बनाना है, और सुबह ब्राइड भी है, काम भी पॉलर में ज़्यादा है, लेकिन आज तो मैंने पता होटल से खाना मंगवाया था, छो गया था टाइम। और ये आप देख रहे हो सारे जार जो है ना खाली हो चुके थे, तो मैंने बास्केट साफ़ करवा दी है सारी। अच्छा इसके अंदर ये वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना ऑयल मेरा ख़राब हो रहा है, इसमें से ऑयल ख़राब इस तरह से हो रहा है कि हम अगर इसके अंदर ऑयल डालते हैं ना, ऑयल अगर हम ये डालकर सालन वगैरह बनाते तो सालन में झाग बन जाती है उसमें, तो मैंने ये ना ऑयल निकाल दिया इसमें से। ऑयल ख़राब नहीं है, जो इसमें से ऑयल मैंने डाला था क्योंकि उस ख़त्म और कंटेनर से था नहीं, तो मैंने इसमें से निकाल लिया, तो मुझे समझ में नहीं आया ये, मैंने कहा चलो निकाल ही देते हैं इसको,
कुछ और चीज़ आ जाएगी। बहरहाल ज़्यादा तो कुछ नहीं जाता। अब ये भी मैंने रखा हुआ है, तो अभी मैं सबसे पहले बनाऊंगी गवार की फली को तड़का लगाऊंगी। और इसके अंदर मैंने घी डाल दिया है, अब मैं गवार को तड़का लगा रही हूँ। ऐसे संडे वाले दिन की शाम, सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन थी, फिर ये रात का टाइम था, थोड़ा सा गवार की फली पड़ी थी, इसका मैंने तड़का लगा लिया। तो बस आपको पता है कि घर के जब काम करना शुरू करो तो कितने काम निकल आते हैं साथ के साथ। तो ये सारे काम देखने होते हैं, घर का भी, पार्लर का भी। बच्चा मेरा छोटा है तो मैं टाइम थोड़ा घर कम दे पाती हूँ, यानी कि अपने लिए तो टाइम निकलता ही नहीं है कि अपने लिए भी कुछ टाइम निकालें और कुछ करें। तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह ने रोज़ी दी है, तो बैठकर बस काम काज में बस काफ़ी बिज़ी रहती हूँ। तो इसी तरह से ही यानी कि फिर सुबह का टाइम नहीं, रात का ही टाइम था, सॉरी, हाँ रात के टाइम तक यानी कि फिर वो हो चुका था। फिर मनाहिल कहने लगी कि मुझे आम खाना है, तो मनाहिल के लिए मैंने आम बना दिया। जी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, एक लाइक ज़रूर बनता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। किसी ने बोला है कि आप अपना पॉलर का टूर करवाएं, तो इंशाल्लाह मैं जल्दी से जल्दी ये वीडियो बनाकर शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस टाइम की थोड़ी सी कमी है, जो टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा इस वजह से ये हो रहा है कि मैं सही से नहीं दे पा रही। तो कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द जो है ना आपको पॉलर का भी टूर करवाऊँ। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।